Good morning, children. Good morning, class 5th. Welcome to your English class. And this is your book, English Reader. Special series class 5th. राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से पब्लिश हुई ये किताब है, राइट? इससे पहले हमने दो लेसन्स आपके कंप्लीट किए हैं विद एक्सरसाइज, राइट? और आप सभी को याद भी होगा, और मेरा ख्याल है उसकी ये क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस आपने अच्छे से की होंगी. पहला था ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, राइट? जो एक पोएम थी. इसके बाद हमने दूसरा एक चैप्टर किया था जिसका नाम था द वाइज पिजन. द वाइज पिजन की तमाम एक्सरसाइजेज आपको करवाई जा चुकी थी, क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जा चुके थे, राइट? और अब हम आते हैं अगले लेसन की तरफ जिसका नाम है द ग्रेट बनियन. तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, राइट? देखिए, हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों का हमारे प्रकृति में उनका स्थान कितना महत्वपूर्ण है, राइट? और यही वजह से वृक्षारोपण, पेड़ लगाने और तमाम चीज़ों के बारे में आप अक्सर अपने स्कूल में अपने टीचर्स से और जगह जगह जो गवर्नमेंट होर्डिंग्स वगैरह लगी रहती हैं उनसे आप देखा करते हैं, है ना? तो द ग्रेट बनियन, बनियन एक ट्री होता है, आपने देखा होगा, जिसे हम बरगद कहते हैं. तो इस बरगद के पेड़ के बारे में ये एक लेसन है. इससे आपको जो ट्रीज हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, राइट, ये मैसेज मिलेगा. इसको ध्यान से न सिर्फ हमें पढ़ना है, सीखना है, बल्कि इस चीज़ को अमल में भी लाना है. जो चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर उसको हमको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है. ओके, तो चलिए, यहाँ पर येलो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है. येलो बॉक्स में दो चीज़ें, दो क्वेश्चंस लिखे गए हैं. नेम सम ट्रीज दैट यू फाइंड अराउंड यू, कि आपसे ये पूछा गया है कि आपके आसपास कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जो आप देखा करते हैं. तो कौन कौन से पेड़ हैं आमतौर पे हम देखते हैं? बहुत कॉमन से एक है, सड़क के किनारे नजर आते हैं, मैंगो ट्रीज, आम के पेड़, राइट? नीम ट्रीज, राइट? महुआ ट्रीज, राइट? यूकेलिप्टस, ये वो है जो आपको रोड साइड पर नजर आ जाते हैं. अलावा इसके और भी साल के जंगल हैं हमारे, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बहुत मजबूत, है ना? अलावा इसके आपने सागौन, या जिसको हिंदी में सागौन कहते हैं और इंग्लिश में टीक कहते हैं, है ना, जिससे फर्नीचर और इमारती लकड़ी होती है, इसके पेड़ देखे हैं. शीशम के पेड़ होते हैं और बहुत सारे ऐसे और मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. जैसे नीम का नाम लिया था मैंने, नीम आप जानते हैं कि बहुत यूज़फुल एक मेडिसिनल ट्री है. तो ये सारे के सारे जो ट्रीज हैं हमारे आसपास हमें नज़र आते हैं. हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं, राइट, जहाँ पर आसपास हम सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं जंगलों से. कान्हा नेशनल पार्क हमारे बहुत करीब है, तो इन ट्रीज के बारे में भी हमें कुछ जानना चाहिए. बरगद के पेड़ या बनियन ट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी हैं. बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बनियन ट्रीज देखे होंगे. इसको देखकर आप पहचान सकते हैं, यहाँ से पेड़ों से निकली हुई ये जो जटाएं हैं या एरियल रूट्स कहते हैं इन्हें, ये हर पेड़ में नहीं पाई जाती, मगर
बरगद के जो पेड़ होते हैं या बनियन ट्री है, इसकी एक खासियत होती है कि इनमें एरियल रूट्स होती हैं। इसको देखकर आप सहजता से दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये ट्री बनियन ट्री है, राइट। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास कौन कौन से पेड़ हैं एंड विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा आपको पसंद कौन सा पेड़ है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को तो भाई आम के पेड़ पसंद होंगे, है ना, क्योंकि बहुत विशाल पेड़ होता है, छाया भी मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि जब आपकी परीक्षाएं वगैरह फाइनल एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हो जाती है, गर्मी के दिन होते हैं, तो तब तक समर में इन पेड़ों पर फल भी आ चुके होते हैं, और खट्टे मीठे आम जो हैं वो किसे पसंद नहीं होते, राइट। तो ये हमने सेकंड की विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, सबसे ज़्यादा अब कोई मुझसे कहे तो यस आई लाइक मैंगो ट्री मोस्ट, आपको क्या पसंद है आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट दिस लेसन, हम पढ़ें, राइट। जस्ट एज ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली। द बनियन इज पॉसिबली द बिगेस्ट एंड द फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल अवर ट्रीज। जिस तरह से बुजुर्ग, हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, वो सबसे ज्यादा जेंटल, बहुत सौम्य होते हैं स्वभाव से। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे परिवार में हमारे चाचा पिताजी वगैरह जो हैं, वो कभी कभी आप पर नाराज भी हो जाएं, शायद गुस्सा भी हो जाएं, लेकिन आमतौर पे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी वगैरह, ये बड़े बहुत स्नेही होते हैं, राइट। ये आसानी से अचानक नाराज नहीं हो जाते, आमतौर पे ये सिर्फ प्यार ही करते हैं, बहुत जेंटल होते हैं। ये जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ये भी हमारे इन्हीं बुजुर्गों की तरह होते हैं, बहुत फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना, राइट। और उनमें से द बनियन, जो ये बरगद का पेड़ है, इट इज़ पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल। और जितने पेड़ मौजूद हैं उनमें से शायद जो बनियन है, बनियन ट्री या बरगद का पेड़, ये सबसे विशाल होता है और सबसे ज़्यादा फ्रेंडली भी होता है। अब कोई पेड़ कैसे दोस्ताना हो सकता है, कैसे फ्रेंडली हो सकता है, चलिए इसे भी समझते हैं। वी डू नॉट सी मेनी बनियन ट्रीज इन अवर सिटीज नाउडेज। दीज ट्रीज रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड देमसेल्व्स आउट। आप कभी शहरों में जाएं तो दूसरे पेड़ तो आप देख भी पाएंगे, बनियन ट्री बड़े मुश्किल होते हैं देखना शहरों में, और उसका कारण भी मैं बता दूं आपको कि बनियन क्योंकि बहुत विशाल ट्री होता है, इससे बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है बढ़ने के लिए और फैलने के लिए, राइट। तो सिटीज़ में तो आप जानते हैं कि इतनी जगह होती नहीं है, वहाँ पर तो मकान और सड़कें और इन सब का बिल्कुल इमारतों का जाल बिछा रहता है, एक एक इंच जगह वहाँ की बड़ी कीमती मानी जाती है। तो ऐसे वक्त बरगद के लिए जितने स्पेस की ज़रूरत है वो शहरों में इसे उपलब्ध नहीं होता, राइट। तो इसी वजह से But in our overcrowded cities, where there is barely enough living space for people, it is too hard to find a full-grown banyan tree. जहाँ पर रहने के लिए लोगों को बहुत थोड़ी सी जगह भी मयस्सर नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर किसी एक पेड़ के लिए इतनी सारी जगह मनुष्य दे दे, ये जरा मुश्किल काम है। और इसी वजह से जो बनियन ट्रीज हैं वो हमारी आज की जो ओवर क्राउडेड सिटीज हैं, भीड़ से भरे हुए शहर हैं, वहां पर जरा नजर नहीं आते, राइट। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन बनियन ट्री टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ थ्री स्टोरी बिल्डिंग। ये जो बनियन ट्री होते हैं, ये इन्हें लगभग एक तीन मंजिला इमारत, एक बड़ी तीन मंजिला इमारत, एक पेड़ के लिए लगभग उतनी जगह की ज़रूरत होती है। अब तीन मंजिला इमारत आप समझ जाइए कि हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर तीन मंजिला इमारतें शायद उंगलियों पे गिन सकते हैं आप, गिनी चुनी होंगी। तो इतने बड़े
पेड़ के लिए वहाँ पर शहरों में ओवर क्राउडेड सिटीज में जगह उपलब्ध होना जरा बड़ा मुश्किल काम है. ऑफ कोर्स स्पेशियस पार्क्स हैव बनियन ट्रीज एंड एवरी विलेज हैज एट लीस्ट वन. हाँ ये ज़रूर है कि शहरों में जो अलग से पार्क्स डेवलप किए गए हैं, बड़े बड़े पार्क्स जहाँ पर ट्रीज लगाए जाते हैं या जो पहले से लगे हुए हैं उनके आसपास पार्क विकसित कर दिए गए हैं, वहाँ पर शहरों के बच्चे भी इन ट्रीज को देख सकते हैं. और हमारे यहाँ तो हर गांव में तकरीबन एक बनियन ट्री मिल ही जाएगा आपको, राइट. अधिकतर गाँव में द बनियन ट्री हैज वॉट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, दैट इज इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड टेक रूट्स अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन. Therefore, after some years, the tree forms a forest of its own, which is too big to be seen at once. इस पेड़ की एक विशेषता होती है जो मैंने आपसे अभी अभी बात की थी, वो है इसकी एरियल रूट्स. दरअसल होता यह है कि जो इसकी ब्रांचेस होती हैं ना, इनकी ब्रांचेस से यहाँ से जड़ें निकलना शुरू होती हैं. आमतौर पे हमने देखा हुआ है कि पेड़ का ये जो ट्रंक है या स्टेम जो है तो जमीन के अंदर अंदर इसकी जड़ें बढ़ती हैं, राइट. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, उससे जड़ें नीचे की तरफ आने लगती हैं. ये जब जड़ जमीन को, उससे पहले ये हवा में लटकती रहती है, अक्सर बच्चों को मैंने इसमें इन्हें पकड़ कर झूला झूलते वगैरह भी देखा हुआ है, राइट. तो ये पेड़ें धीरे धीरे, पेड़ की जो जड़ें हैं ये धीरे धीरे ज़मीन को टच करती हैं, इसके बाद ज़मीन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं. मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि एक कोई बल्ली या एक सपोर्ट सा एक डेवलप हो जाता है इस पेड़ की ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए, राइट, उसको सहारा देने के लिए. इसके बाद ये जड़ें अंदर बढ़ती हैं ज़मीन के और यहाँ से फिर नया स्टेम निकलना शुरू होता है. मतलब पेड़ एक एक ही है लेकिन इसकी रूट्स ज़मीन के अंदर अलग अलग दिशाओं में बढ़ती हैं और वहाँ से नए पेड़ निकलने शुरू हो जाते हैं. ये बड़ा अद्भुत है एक. और इस तरह से आप देखेंगे कि एक पेड़ में इतनी काबिलियत होती है कि वो अपने आप में, अगर एक बनियन ट्री है और लगातार उसे डिस्टर्ब न किया जाए, उसे फैलने के लिए जगह दी जाए, तो धीरे धीरे एक अकेला बनियन ट्री अपने जैसे कई बनियन ट्रीज और पैदा कर सकता है और अपने आप में बनियन ट्रीज का एक जंगल सा बन जाता है, राइट. तो नो वंडर द बनियन ट्री वॉज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा. और यही वजह है कि बरगद से निकलने वाली इन एरियल रूट्स को हम जटाएं कहते हैं, राइट. जटा का दरअसल आपने हिंदी और संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कि जटाओं का मतलब जो होता है वो इसका मतलब है बाल, राइट. तो जिस तरह से किसी साधु बाबा की या जैसे शंकर भगवान वगैरह के जो बाल होते हैं, इनको हम शिव की जटाएं कहते हैं, राइट. तो बरगद ट्री का संबंध भी शिव की जटाओं से, शिव के केश से, उनके बालों से जोड़ा जाता है. और इस तरह से इसका एक धार्मिक महत्व भी हो जाता है, लोग इसको एक पवित्र पेड़ मानते हैं. द एरियल रूट्स ऑफ द बनियन ट्री आर लाइक पिलर्स सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग. द चिल्ड्रन यूज दीज रूट्स एज स्विंग्स एंड एंजॉय स्विंगिंग. ये जो एरियल रूट्स होती हैं बनियन ट्री की, ये पिलर्स की तरह काम करती हैं. मैंने आपको बताया कि जब ये ज़मीन को छू जाती हैं, बहुत मजबूत होती हैं ये, तो लंबी लंबी जो इनकी शाखें फैली होती हैं, शाखाएं जो फैली होती हैं, इनको नीचे से ये सपोर्ट देती हैं, राइट. और इस तरह से ऐसा लगता है जैसे नीचे से कोई बल्लियाँ लगा दी गई हैं, किसी जैसे बिल्डिंग वगैरह की छत डालते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें नीचे से छत को सपोर्ट करने के लिए कई बल्लियाँ लगाई जाती हैं, लॉक्स लगाए जाते हैं, राइट. तो कुछ इस किस्म का होता है. द चिल्ड्रन यूज दीज रूट्स एज स्विंग्स एंड एंजॉय स्विंगिंग. जैसे मैंने आपसे बात की कि अक्सर इनकी जटाओं को, जो बहुत मजबूत होती हैं, बच्चे पकड़कर झूला झूलते हैं, झूले का मजा लेते रहते हैं. स्विंगिंग का मतलब ही होता है झूला झूलना, राइट.
इफ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स द बिल्डिंग विल फॉल एंड सो विल द बनियन बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज नॉट वेरी डीपली रूटेड। अब इसमें यह बात समझनी है कि इन जड़ों को सुरक्षा चाहिए होती है। कुदरती तौर पर ये जड़ें बनी ही इसलिए हैं ताकि विशाल जो बरगद है उसके शाखाओं को सपोर्ट दे सकें। जिस तरह से जब बिल्डिंग बन रही होती है उसमें सपोर्ट में जो पिलर्स वगैरह लगाए जाते हैं, अगर आप उन पिलर्स को आप हटा दें तो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। इसी तरह से अगर बनियन ट्री की इन जड़ों को जो इसके सपोर्ट का काम कर रही हैं ये अगर किसी भी वजह से ये नष्ट हो जाती हैं तो पूरा पेड़ जो होता है वो नष्ट हो सकता है, क्योंकि जो इसका मेन ट्रंक होता है, जो मेन उसका तना होता है, वो उससे निकलने वाली जड़ें जो हैं वो बहुत गहराई तक नहीं जाती। पेड़ तो बहुत विशाल होता है राइट, लेकिन जैसे दूसरे आम के और दूसरे पेड़ों की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, तो ये गहराई तक ना जाके चारों तरफ इनका विस्तार होता है। तो अगर ये एरियल रूट्स इन्हें सपोर्ट ना करें तो बड़ा भारी जो पेड़ है वो भी धराशायी हो सकता है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स, और इन जड़ों को अपनी जगह बनाने के लिए, फैलने के लिए ज़मीन पर बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। The gardens and busy roadsides will not do because it needs twice the space the other trees need. तो शहरों में जैसे मैंने आपको बताया कि गार्डन हो या रोड के किनारे लगाने के लिए बरगद के पेड़ों का चुनाव नहीं किया जाता, क्योंकि ये आम पेड़ों के मुकाबले राइट बहुत ज़्यादा जगह मांगते हैं, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है इनको, तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं माने जाते और इसलिए इन ट्रीज को वहाँ पे नहीं लगाते हो। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड टू क्लोज द हाउस अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल। और इन पेड़ों को अपने घर के बहुत करीब भी नहीं लगाना चाहिए, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एरियल रूट्स होती हैं और इसकी जो जड़ें हैं वो गहराई में ना जाके चारों तरफ फैलती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ दिनों बाद देखें कि आपके घर की कोई वॉल है वो थोड़ी सी क्रैक हो गई, वहाँ से पेड़ का एक हिस्सा निकलता चला आ रहा है। तो ये पेड़ इनकी जो विशेषता है उसको पहचानना होगा और इन्हें खुले में, खुली जगह में अलग से आपको इनको अगर प्लांट करना है तो वहाँ लगाना चाहिए। मकान के बहुत करीब नहीं लगाना चाहिए, सड़क के बहुत करीब नहीं लगाना चाहिए। इट इज ऑलवेज कूल डार्क एंड शेडी बीनीथ अ बनियन ट्री एंड इट इज अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग। कभी आप बरगद के पेड़ के नीचे जाएं तो आप पाएंगे कि यह हमेशा इसके नीचे बड़ी ठंडक रहती है, बड़ी ठंडक रहती है क्योंकि बहुत पत्तों से आच्छादित रहता है, ये बहुत सारे पत्ते होते हैं इसमें, सूरज की जो किरणें हैं वो ज़मीन तक पहुँचने नहीं पाती बरगद के नीचे, तो वहाँ ठंडक बनी रहती है। शेडी मतलब इसमें नीचे बड़ा शेड रहता है राइट, छायादार पेड़ होता है किसी भी कोई भी वो जो बनियन ट्री है, और नीचे बाहर चारों तरफ रोशनी रहेगी लेकिन नीचे अंधेरा सा रहता है क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच रही हैं। एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और जो बच्चे पेड़ वेड़ पर चढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए बनियन ट्री से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी एरियल रूट्स हैं, मतलब आपको किसी पेड़ पर चढ़ने के लिए जो पकड़ चाहिए होती है, जो सपोर्ट चाहिए होता है, ये इस ट्री में उसकी कमी नहीं होती। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफिकल्टी, इसके शाखाओं पर अगर आपको चढ़ना है तो ज़्यादा किसी परेशानी के बगैर आप इस पर चढ़ सकते हैं। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ, और वहाँ से गिरने का खतरा भी नहीं रहता राइट। बहुत यानी इसकी पेड़ की जो शाखें हैं वो बहुत ऊंचाई से नहीं, बहुत नीचे से निकलना शुरू हो जाती है, तो आप बहुत ऊंचाई पर चढ़कर जैसे शाखों पर बैठने का आपका मन हो तो डरने का, गिरने का एक डर बना रहता है, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत नीचे एक इंसान की जो हाइट रहती है
बस उस साइड पर आपको ब्रांचेस मिल जाएगी बड़ी बड़ी जिस पर आप चढ़कर बैठ सकते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन, और इस ट्री पर बैठे हैं आप तो ये सबसे कंफर्टेबल ट्री भी होता है, राइट। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक एंड रीड अ बुक एंड नोबडी विल ट्रबल यू, फॉर यू विल बी कंप्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स। आप चाहें तो इसका जो मेन ट्रंक है, जो मुख्य तना है, उससे पीठ टिकाकर इसकी ब्रांचेस पर पैर फैलाकर इत्मीनान से बैठकर किताब पढ़ सकता है, और इसके पत्ते इतने घने होते हैं कि नीचे से कोई आपको देख भी नहीं पाएगा कि कोई यहाँ पर बैठकर किताब पढ़ रहा है, राइट। तो इतनी मज़ेदार यानी टोटल ये इस पेड़ के बारे में बातें हैं कि आप इस पर चढ़ना आसान, इस पर संतुलन बनाना आसान, इस पर जब बैठ जाएं आप तो क्योंकि मजबूत होता है इस वजह से शाखों के टूट जाने का डर नहीं, राइट, और बहुत कंफर्टेबल भी है और छायादार है, ठंडक भी है वहाँ पर, राइट। आगे पढ़ते हैं, द बनियन इज ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल। ये जो बनियन ट्री होता है ये बहुत हॉस्पिटेबल भी होता है। हॉस्पिटेबल शब्द आया एक, हॉस्पिटेबल का अर्थ ये होता है कि जिस तरह से हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम खुश होते हैं कि भाई चलिए कोई हमसे मिलने आया, हम उसका स्वागत करते हैं, राइट। इसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, राइट, कि जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है ना, तो इसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। इसीलिए जो होटल्स वगैरह जो होते हैं इसको हॉस्पिटैलिटी बिजनेस कहते हैं, क्योंकि लोग आते हैं वहाँ पे घर की तरह, उनको सुविधा मुहैया कराई जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आपके घर में जो मेहमान आते हैं उनसे आप पैसे नहीं लेते, लेकिन उनको आप घर जैसा सुख प्रदान करते हैं, इज्जत देते हैं, तो बहुत आप हॉस्पिटेबल होते हैं। इसका हॉस्पिटल से मतलब नहीं है भाई, हॉस्पिटल और हॉस्पिटेबल ये दोनों अलग शब्द हैं, याद रखिएगा, राइट। तो जिस तरह से मैंने कहा कि होटलों में या आपके घरों में लोगों का आना जाना लगा रहता है, राइट, वैसे ही इस बनियन ट्री में भी बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, ये बहुत हॉस्पिटेबल है। कौन कौन आता है यहाँ पर? अपार्ट फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियों के अलावा, इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स लाइक बर्ड्स, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस। तो इंसान के बच्चे मतलब लड़के लड़कियां, इन सबको छोड़ भी दें आप, तो इनसे हटकर भी बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है इस पेड़ पर। क्या है वो? पक्षी हैं बहुत सारे, तरह तरह के बर्ड्स इसके शाखों पर आपको नजर आ जाएंगे। स्क्वायरल्स, गिलहरियां, राइट, गिलहरियां, उनके लिए ये बरगद का जो पेड़ होता है ये बड़ा उनका पसंदीदा है, क्योंकि छुपने के लिए आसानी होती है उनको, सुरक्षित रहती हैं वो, राइट। और इंसेक्ट्स, कई तरह के कीड़े मकोड़े जो रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। एंड फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्लाइंग फॉक्सेस एक तरह की एक छोटे साइज की लोमड़ी होती है जिसके अगले और पिछले पैरों के बीच में स्किन कुछ इस तरह से फैली हुई होती है, जुड़े हुए होते हैं ये पैर, कि ये बहुत एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बड़ी लंबी छलांग मार सकती है, हवा में ग्लाइड करती हुई जाती है, इसलिए इसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, राइट। जैसे कोई आप कागज़ का एक रॉकेट बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, हवा में उड़ाते हैं आप, तो किस तरह से वो हवा में तैरता हुआ जाता है, बस उसी तरह से ये जो गिलहरियाँ होती हैं, ये स्क्वायरल्स जो, सॉरी स्क्वायरल्स नहीं, ये फ्लाइंग फॉक्सेस जो होती हैं, इनको फॉक्सेस कहते हैं, लेकिन ये फॉक्सेस जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, ये फॉक्सेस हल्की होती हैं वजन में और छोटी भी होती हैं, राइट। तो ये भी बरगद के पेड़ पर नज़र आती हैं। Many interesting creatures actually live in the tree, which is full of dark private corners just right for different kinds of tenants. और यहाँ पर कई आपको बहुत मज़ेदार creatures आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बहुत अंधेरे कोने होते हैं,
राइट, ये जो पेड़ हैं इसके जो स्टेम है वो पूरा एकदम से गोल नहीं होता, वो कई सारी जड़ों से मिलकर बना हुआ सा लगता है। तो उसमें कई ऐसी दरारें होती हैं, कई ऐसे अंधेरे कोने होते हैं जहाँ पर छुपने के लिए कई इंसेक्ट्स को, ऑफकोर्स कई खतरनाक इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं, या ऐसे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि स्टिंक करते हैं या डंक मारते हैं, राइट। तो ये कई तरह के यहाँ पर टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। तो ये बगैर किराया दिए वहाँ पर रहने वाले किराएदार हैं जो इन बरगद के पेड़ों पर देखे जा सकते हैं। द बनियन इज रादर लाइक अ होटल इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर विदाउट ट्रेवलिंग ईच अदर। इससे तो आप बरगद के पेड़ को आप किसकी तुलना एक बड़े होटल से कर सकते हैं। होटल में कई बहुत सारे कमरे होते हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आके रुकते हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। कोई किसी दूसरे जगह से आया होता है, कोई किसी दूसरे शहर से आया होता है, लेकिन वो वहाँ पर बगैर एक दूसरे को परेशान किए रुकते हैं, रहते हैं, अपना समय बिताते हैं। आप जिस काम से वो उस जगह पे आए हैं वो काम अपना पूरा करते हैं और लौट भी जाते हैं। तो ये बरगद के जो ट्री होता है इसमें भी जो मौजूद क्रीचर्स होते हैं, राइट, वो एक दूसरे से कोई संबंधी नहीं होते, एक दूसरे के संबंधी नहीं होते, वो एक दूसरे के रिलेटिव्स नहीं होते, अलग अलग स्पीशीज़ के होते हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग किस्म के, जैसे मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, राइट। और ये सब के सब बड़े मज़े से यहाँ पर रहते हैं और अपना समय बिताते हैं, राइट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हाइल इट इज यंग लीव्स, व्हाइल इट्स यंग लीव्स आर स्टिल पिंक एंड सॉफ्ट, दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेट मैप बटरफ्लाई विच लीव्स हर एग इन द eggs in the in their care, and the little striped squirrel comes searching for the sweet and sticky honey on them, so the friendly banyan offers something to every visitor. यहाँ पर जो एक खास किस्म की बटरफ्लाई होती है, मैप बटरफ्लाई जिसको कहते हैं, वो आती हैं और इस पेड़ के जो नए नए पत्ते होते हैं जिनकी कोंपलें निकलती हैं, जो जिनका रंग थोड़ा सा गुलाबी सा होता है, बड़ी नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, राइट, वहाँ पर ये जो एक नन्ही बटरफ्लाई है ये अपने अंडे देती है और अंडे देकर बरगद के पेड़ से कहती है कि भाई अब संभालो, और वहाँ से उड़ जाती है वो, राइट। जब इन अंडों का समय पूरा हो जाएगा तो इनसे नई बटरफ्लाईज निकलेंगी। और वहीं पर जो स्क्राइब्ड स्क्वायरल्स, जिन पे जो हमारी स्क्वायरल्स होती हैं उसके शरीर पर आपने देखा होगा धारियां होती हैं, इन्हीं धारियों को स्क्राइब्स कहते हैं। तो स्क्राइब्ड स्क्वायरल्स जो होती हैं ये भी आती हैं वहाँ पर, जो थोड़ा सा मीठा और थोड़ा स्टिकी हनी, यहाँ पे कहा हुआ है शहद, राइट, उसके लिए, राइट। सो द फ्रेंडली बनियन ट्री बनियन ऑफर्स समथिंग टू एवरी विजिटर। तो यहाँ पर बनियन ट्री के पास जो भी आता है, हर किसी के लिए बनियन ट्री के पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, और यही वजह है कि बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये पेज नंबर 13 में यहाँ तक मैंने आपको बताया है, राइट। और अगले पीरियड में एवरीबडी कैरीज मेमोरीज से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। आज का विजिटर, आज का जो ये वीडियो है ये मैं यहीं तक आपको दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि घर में आप इसे लाउडली ज़ोरों से पढ़ने की प्रैक्टिस करें, एक एक वर्ड को समझें, राइट। और वो वर्ड जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उसके मीनिंग्स इसमें दिए हुए हैं, राइट, वर्ड मीनिंग्स वगैरह दिए हुए हैं, ये देखेंगे आप यहाँ पर पूरे। इसमें देखिए कि क्या वो जो वर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर नहीं दिया है तो आप डिक्शनरी से, डिक्शनरी देखकर आप ये कर सकते हैं, इसका मीनिंग पता कर सकते हैं,
और डिक्शनरी देखने की आदत अब आप लोगों को डाल लेनी चाहिए, राइट? इट्स ए वेरी गुड हैबिट, बहुत अच्छी आदत है, और इससे नए नए शब्द आपको पता चलते हैं, और बगैर किसी की मदद के आप बहुत सारे नए शब्द सीख सकते हैं जो किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत आवश्यक है, कि आपके पास अपनी एक विशाल वोकैबुलरी होनी चाहिए, एक शब्दों का भंडार होना चाहिए आपके पास। तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू डू इट योरसेल्फ। तो आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी, और अगले सेशन पीरियड में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक अच्छे से पढ़िए, सुरक्षित रहिए, राइट? एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जनरल।